दोस्तों, भारत आज तेजी से तरक्की कर रहा है और इस डेवलपमेंट की एक निशानी वो सभी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम 2023 में खत्म हुआ है या फिर जिनमें अभी काम चालू है, और आने वाले समय में ये भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इनडायरेक्टली हमारी जीडीपी ग्रोथ में काफी कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर वन, प्रोजेक्ट हिमांग। शायद आपने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों, जो अपनी रोड कंस्ट्रक्शन के अलावा रोड्स पर लगाए गए क्रिएटिव वार्निंग साइंस के लिए भी काफी मशहूर है। बीआरओ ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिमांग, जिसमें वो दुनिया की पहली ग्लेशियर रोड बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर से गाड़ियां गुजर सकें। ऐसा पूरी दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ है और ये रोड लद्दाख के ईस्टर्न रीजन में बनाई जाएगी। इसे करीब 17,800 फीट की ऊंचाई में बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का मकसद कनेक्टिविटी को बढ़ाने का है। अब वैसे तो ये काफी खतरनाक प्रोजेक्ट भी है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ग्लेशियर्स तक पहुंचने का रास्ता भी काफी आसान हो जाएगा और एयर ग्लेशियर्स का एक्सेस भी हमें मिल जाएगा, जहां जाना मौजूदा समय में संभव माना जाता है। रोड बनाना तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन इसके साथ परेशानी ये भी है कि साल भर में कभी यहाँ पर स्नो गिरती है, कभी टेम्परेचर बदल जाता है, जिस वजह से ये काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नंबर टू, चेनाब रेल ब्रिज। दोस्तों, चेनाब रेल ब्रिज जो कि जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में बनाया जा रहा है और वो बनने के बाद दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा। उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला को जोड़ने वाला ये ब्रिज करीब 1315 किलोमीटर लंबा होगा और सी लेवल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाएगा, जो लगभग बुर्ज खलीफा की आधी हाइट से थोड़ा सा ही कम है। इस ब्रिज को बनाने में सरकार करीब 1482 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और माना जा रहा है कि इसकी डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी और ये अगले 120 साल तक मेंटेनेंस के साथ ऐसे ही टिका रह सकता है। इस ब्रिज का मेन मकसद यहाँ के लोगों की जिंदगियों को आसान बनाना है जो कि वेदर कंडीशंस के कारण ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। साथ ही इस ब्रिज की वजह से जब यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे कि इस रीजन को भी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करने में मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि 2023 के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और 2024 से ही इसमें ट्रेन्स चलना शुरू हो जाएंगी। नंबर थ्री, मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि करीब 1350 किलोमीटर का होगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 में ही हो गई थी और माना यह भी जा रहा है कि इसमें 1,03,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दो बड़े महानगरों को कनेक्ट करने वाला ये एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी एक नया बूस्ट देगा और साथ ही लोकल डेवलपमेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। दोस्तों, पैंडेमिक के समय इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ समय के लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब ये फिर से चालू हो गई है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में सूचित किया था कि जुलाई 2021 तक 350 किलोमीटर की रोड बनकर तैयार हो गई थी। इस प्रोजेक्ट को दो अलग अलग फेज में बनाया जा रहा है, जिसमें पहले फेज में 8 लेन रोड बनाई जाएगी और दूसरे फेज में 12 लेन रोड्स। खबरों की माने तो जनवरी 2025 तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की संभावना दिखाई दे रही है। नंबर फोर, मुंबई ट्रांस हर्बर लिंक यानी MTHL प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुंबई ट्रांस हर्बर लिंक MTHL, जिसे शिवडी नहावा शेवा सी लिंक प्रोजेक्ट भी कहते हैं, एक 14,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिस पर अप्रैल 2018 से ही काम शुरू हो गया था। ये सी लिंक शिवडी और नहावा शेवा के इलाकों को आपस में कनेक्ट करेगा और इसकी लंबाई करीब 22 किलोमीटर की होगी। इसके पूरे होने के बाद ये भारत का सबसे लंबा सी लिंक होगा और इसे चार पैकेजेस में बनाया जा रहा है। पहले दो पैकेजेस सी बेस्ड हैं, यानी वो समुद्र के ऊपर होंगे, और तीसरा पैकेज लैंड बेस्ड है। आखिरी पैकेज यानी पैकेज फोर में दूसरे काम देखे जाएंगे, जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, टोल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक वर्क्स, हाईवे इल्यूमिनेशन सिस्टम्स को इंस्टॉल करना है और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को भी बनाना। MMRDA के चीफ SVR श्रीनिवास का कहना है कि प्रोजेक्ट 93% कंप्लीट हो चुका है और इसे भी हम दिसंबर 2023 तक लॉन्च होते हुए देख सकते हैं। नंबर फाइव, सुपरनोवा स्पिरा। दोस्तों, सुपरनोवा स्पिरा एक एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि वो भारत की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाए। नोएडा के सेक्टर 94 में इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है और कहा जाता है कि ये एक मिक्स्ड यूज टावर होगा जिसमें रेजिडेंशियल पर्पजेस के साथ साथ मुमकिन है कि दूसरे कामों के लिए भी इसे यूज किया जाएगा। इस बिल्डिंग में करीब 80 फ्लोर्स होंगे और इसकी ऊंचाई 300 मीटर की होगी। सुपर टेक जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को बना रही है उसके मुताबिक 90% काम अभी पूरा हो चुका है और मुमकिन है कि 2024 के अंत तक इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अपनी कंप्लीशन के बाद ये बिल्डिंग भारत का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगी और इसकी हाइट वर्ल्ड वन स्काई स्क्रैपर से भी बड़ी होगी जो मुंबई में स्थित है। नंबर सिक्स, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, एक 16,700 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो नवी मुंबई में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट की नींव 2018 में प्रधानमंत्री ने रखी थी और अप्रैल 2021 में इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई थी। इस प्रोजेक्ट को 3 अलग अलग फेजेस में बनाया जा रहा है, जिसमें पहले फेज में इसे हर साल 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को एकोमोडेट करने के लिए बनाया जाएगा और फिर तीसरे फेज आते आते इसे एक्सपैंड करके 9 करोड़ पैसेंजर्स को एकोमोडेट करने के लिए बना दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग और CIDCO यानी कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र का ही एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें अडानी का शेयर 74% है और CIDCO का शेयर 26%। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का दूसरा एयरपोर्ट होगा और कहा जा रहा है कि 2025 तक ये पूरी तरह से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। नंबर 7, भारतमाला परियोजना प्रोग्राम। भारतमाला परियोजना एक काफी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा और इसका मकसद है कि भारत में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, जिसके लिए कई सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स, एक्सप्रेसवेज और बाकी कई तरह की रोड्स होंगी, जिनकी कंबाइंड लेंथ 83,677 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स में हाईवेज बनाए जाएंगे, जिसके बाद ये पूरे हिमालयन बेल्ट की तरफ बढ़ेगी, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाके भी हैं और इस प्रोजेक्ट में नॉर्थ ईस्ट पर काफी ध्यान दिया गया है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंडर इन हाईवे रोड्स के कई पोर्शंस पहले यूपी और बिहार को टच करेंगे, फिर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल और आखिर में मणिपुर के इंडो म्यांमार बॉर्डर और मिजोरम तक भी जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को 7 फेजेस में बनाया जाएगा, जिसमें से पहला फेज कंप्लीट हो चुका है और इसमें दिसंबर 2022 तक 34,800 किलोमीटर की रोड्स बनकर तैयार भी हो गई थी। नंबर 8, सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट में भारत की 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन को डेवलप करने का प्लान बनाया गया है और ये प्रोजेक्ट करीब 8.5 लाख से 11 लाख करोड़ में बनकर तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों, ये कोई सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें रोड कंस्ट्रक्शन, रेल कनेक्टिविटी, 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स का बनाया जाना भी शामिल है। इसके अलावा सभी पोर्ट्स के बीच में रोड्स और रेल से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। दोस्तों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स और पाइपलाइंस एंड वाटरवेज को भी डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से सरकार करीब 1 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट करने वाली है और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जा रहा है। 2021 तक इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए 802 सैंक्शन प्रोजेक्ट्स में से 172 बनकर तैयार हो गए थे, जिसमें 13 रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स थे और 28 रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में सालों का समय लगेगा। 2035 तक ये उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका होगा। नंबर 9, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। दोस्तों, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि बुंदेलखंड रीजन के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की केन नदी के सरप्लस पानी को यूपी के बेतवा नदी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे कि वहां सूखा ना पड़े और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो सके। ये दोनों ही नदियां यमुना नदी की ही ट्रिब्यूटरीज हैं और इनके बीच में 221 किलोमीटर की एक केन बेतवा लिंक कनाल और 2 किलोमीटर की एक टनल भी बीच में बनाई जाएगी। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 44,650 करोड़ का है, जिसके लिए सरकार ने दिसंबर 2021 में अप्रूवल दिया था। इस प्रोजेक्ट के कारण करीब 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और साथ ही 62 लाख लोगों को पीने का पानी भी इससे मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय का कहना है दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर एनर्जी और 27 मेगावाट की सोलर इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करेगा। सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 8 से 9 साल तक का वक्त लग सकता है और अगर हम डिलेज को भी फैक्टर इन कर लें तो 2030 तक आपको ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों, ये थे वो मेगा प्रोजेक्ट्स जिन्हें आने वाले सालों में आप देखेंगे। आपको इनमें से कौन से प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का सबसे ज्यादा इंतजार है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।